दबा रहे थे, अबे मरेगा क्या, क्या कह रहा है पानी में चलेगा, वो यीशु है, वो भगवान है, अबे तू कौन है, अबे क्या कर रहा है, अरे तू चलेगा, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, अबे तू करेगा, अबे ओ बेवकूफ, कहीं के आठवीं फेल, निकट डालने नहीं आती, चला अब इंजीनियर बनने, नाक साफ करना नहीं आता, चला डॉक्टर बनने। मतरस को कहा, अबे हेलो हेलो, डूबेगा क्या, मरेगा क्या, हमें भी डुबोएगा। और जब वो पानी पर चल रहा था तो वो चिल्ले कर रहे थे, वाह, ताड़ियां बजा रहे थे। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद तुम्हारा बिजनेस इतना चलेगा, इतना चलेगा, मोहल्ले वाले ताड़ी बजाएंगे, आमीन, चीखेंगे चिल्लाएंगे ताड़ियां बजाएंगे, आमीन। आज आप शोर मचा रहे हैं, कल आपके मोहल्ले वाले आपकी बड़ी गाड़ी देखकर कल शोर मचाएंगे। मस्टिस एनिवटी ऐदा किदा हो गया, उन्होंने दस देना साढ़े चर्च में ऐदा ही हो जाता है। समझ में आया कि नहीं, आपको कोई दबा नहीं सकता। हाँ हाँ, खड़ी हो जाओ मोटी सी औरत, दबा सकता है इस औरत को कोई है, पतली औरत खड़ी हो जा, ये दबा सकती है इसको, इसके कंधे पे हाथ रखियो जरा, दिखाइयो 180 किलो का बच्चा, सन्नी देओल का हाथ दिखाइयो, डाल इसके ऊपर हाथ, बैठा रहे पीछे, आप सुन रहे हैं कि नहीं, आपको ये मोटा आदमी मोटी औरत दबा सकती है, शैतान दबा सकता है, लोगों का पैसा दबा सकता है, आपके विचार दबा सकते हैं, लेकिन आपके हालात आपको दबा सकते हैं, आपकी बीमारी आपको दबा सकती है, लेकिन याद रखना, जितने यहाँ पर मांग कर जा रहे हैं, प्रार्थना करके जा रहे हैं, अपने चरित्र को सही करने का फैसला ले रहे हैं, आज रात के बाद याद रखना कि रात कोई माइकल लाल तुम्हारे कैरियर को दबाने नहीं पाएगा। अपने डर को बाहर निकालना है, अपने पड़ोसी को बोलो तेरे दबाए नहीं दबने वाला, मैं दबोगे आपकी सफलता का राज है ये। मेरे साथ बोलना जिसने सफल होना, आज मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं, मेरे साथ तैयार हो आप, स्क्रीन पर देखो, लिख लो आप इस प्रेयर को, ये तीन पॉइंट आपको मेरे साथ बोलने जो आपको सफल बनाएंगे। ये मैंने प्रभु से पूछा और प्रभु ने कहा कर ऐसे प्रार्थना और मैंने सफल करता हूं आज। बोलो हे प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मेरी मदद कर, मैं ज्यादा दूरी तक जा सकूं, ज्यादा दूरी तक जा सकूं, जितने तेरे किसी, जिससे तेरे किसी महान काम के लिए चुना जाऊं, जिसके लिए तेरे महान काम के लिए चुना जाऊं, पहली प्रार्थना हो ये, किसी महान काम के लिए आप चुने जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके बॉम्बे में, यूपी में, हरियाणा में 100 करोड़ की फैक्ट्री आपसे लगवाना चाहता है, जिससे आप बहुत सारे गरीबों को मदद कर सकें। समझ गए, महान काम, महान महान वो लोग बनते हैं जो महान काम करना जानते हैं। दूसरी प्रार्थना, आज मैं सामर्थ ग्रहण करता हूं, परमेश्वर मेरी लाइफ में बड़े डोर को खोलेगा, विश्वास करो आज, बोलो बड़े डोर को खोलेगा, जो आप बनना चाहते हो, वो जो डोर आज तक नहीं खुला, ये लाइन रोज 120 बार बोलना, आपके लिए एक बड़ा डोर खुलने वाला है, यीशु मसीह के नाम में, गवर्नमेंट जॉब का डोर, चंगाई का डोर खुलने वाला है, बोलो हार वो शराब जिसने मुझे दिया है, जो कहता है तू कभी नहीं बढ़ सकता, वो मेरी लाइफ से नाश हो जाए, बोलो नाश हो जाए, करो उसे नाश, करो मुंह से बोलकर बोलते रहो, आपकी आवाज को शैतान ने नाश कर दिया, बोलो नाश हो जाए, बोलते रहो, बोलो वो शराब नाश हो जाए मेरी जिंदगी से, सारे बोलो हालेलुया। कुछ लोग बोले उनकी लाइफ से हर शराब खत्म हो गई, यस आमीन। पड़ोसी को बोलो तू साइकिल से ट्रक पर आएगा, आपको समझना है, अगर आपने ये प्रार्थना ढंग से किया तो आज का मैसेज यही है कि आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपके बच्चे पढ़ाई में, कह रहे स्पिरिचुअल
सुपर नेचुरल स्पीड पकड़ेंगे, आमीन। आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को ओवरटेक करेंगे, ओवरटेक। यस आमीन। कोई कहता है कि मेरे से पहले अमेरिका चला गया, लेकिन उसने 10 लाख कमाए होंगे। तुम कल जाओगे, परसों जाओगे, अगले महीने जाओगे, उससे पहले ओवरटेक करोगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीदोगे, आमीन। उससे पहले ओवरटेक करोगे चर्च, उससे पहले ओवरटेक करोगे, आमीन। कई लोग कह रहे हैं, ओ पापा मजाक कर रहे हैं। मैं आपको वचन से बताकर, एक आखिरी वचन बताकर बाइबल बंद कर रहा हूं। हाँ, पढ़ेंगे पहला राजा 18:46। और एक लड़का मेरे पास आ जाए, और चार लड़के घोड़े बन जाओ। हाँ, चार लड़के घोड़े बन जाओ, एक लड़का उनके सिर पे खड़े हो जाओ। हाँ भाई, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांध कर अहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। ये देखो, ये एक राजा है और ये घोड़े, चार घोड़े हैं। अबे जुड़ जाओ, चलो जुड़ो, जुड़ जुड़ उनको। हाँ, अपनी टाई निकाल के इनके गले में रस्सी डाल, लेके दे दो। हाँ, कोई चुन्नी दे दो, बड़ी सी दे दो। हाँ, शाबाश। देखो, आपको एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ, आपकी समझ में आएगा। डाल इसके गले में, पकड़ ले, एक डाल ले, यही है तेरा दुश्मन, डाल ले, डाल ले। अबे चुप, बस। सुन रहे हो, ये व्यक्ति रथ लेकर घोड़े के साथ इसके गांव में, देखो कितना बड़ा टैलेंट है इसके पास, राजा है ये, पैसा इसके पास है, देश में लोग इसको सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। ये आज से पहले यहोवा को मानता नहीं था, नबियों का सम्मान नहीं करता था, और एक दिन नबी के पास जाता है, और नबी के पास जाकर, घोड़े पर जाकर बोलता है, रथ पर खड़ा हुआ, कहता राजा एलिया प्रॉफेट, तुझसे विनती करता हूं, अपने परमेश्वर को बोलना। कहता मेरा टैलेंट सारा बेकार हो गया, मेरा अन्न खत्म हो गया, मेरे चावल खत्म हो गए, मेरा पानी खत्म हो गया, मेरा पैसा खत्म हो गया, मेरा मान सम्मान खत्म हो गया। कहता मेरे देश में साढ़े तीन साल से अकाल पड़ा है। कहता कुछ करना, कहता कहना परमेश्वर को। इसने सिर्फ क्या कहा, इसने कहा, एलिया ने कहा, एलिया यहां खड़ा था और ये यहां खड़ा था, बराबर में बातें कर रहे थे, ऐसे इधर मुकर बातें कर रहे थे, और एलिया को जैसे ही इसने कहा, एलिया ने कहा दौड़ जा, बारिश आ गई है, दौड़ जा। और इसने ऐसे किया, चलो चलो छोड़ो छोड़ो चलो। और ये घोड़े पता ही कह रहे थे, ऊपर मुंह के देख रहे, और ये बताया कर रहा है पकड़ना, यहीं पे रुक गया। और एलिया ने कहा दौड़, बारिश आने वाली है, और एलिया दौड़ गया। एलिया दौड़ता रहा, और ये वहीं खड़े हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे। सुनो, पता कैसे, चलो धीरे धीरे, सुन रहे हो, आदि नहीं, सारे बोले हालेलुया। एलिया दौड़ता जा रहा, और घोड़े इतनी आराम से, आधा घंटा हो गया इनको, एलिया दिखना भी बंद हो गया, कह के दौड़ गया। और थोड़ी देर में एक बूंद चारों घोड़े के ऊपर गिरी, टप, घोड़े थोड़े, ओए प्रोफेसी सच्ची हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं आपको अभी लग रहा है, जितने आज विश्वास कर रहे हैं, जितने ने आज फैसला ले लिया, कह रहा है आपका बिजनेस, कह रहा है कि आपके रिश्तेदारों से ओवरटेक करेगा, दौड़ोगे। लेकिन आप इधर, बूंद गिरेगी ऊपर से, पट, यस आमीन। एक खबर आएगी,
समझ में आएंगे नहीं? कहता विश्वास का जीवन जीना है। समझ में आया? घोड़े वो मार रहा है, चला घोड़े, कह रहे बेवकूफ कहीं का। आपका मन घोड़े जैसा है, आपके विचार घोड़े जैसे हैं, लेकिन भविष्यता को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। भविष्यवाणी करके मैं भी भाग रहा हूं फटाफट, क्योंकि मुझे अगली मीटिंग में जाना है। आज रात आपके साथ मिराकल होने वाला है। आमीन। उठाओ, आपका कैरियर बनेगा। आप बाहर आ रहे हो, बाहर आ रहे हो, बाहर आ रहे हो। लोग आपको सलाम करने के लिए आ रहे हैं। आपके गेट के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो रही हैं चर्च। याद रखना, आपकी दुआओं से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पुकार लिया है। आपको बुलाया आज परमेश्वर ने। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर से आज कि परमेश्वर, मैंने सीख लिया है कि तूने मुझे डर का नहीं। पहला तीमुथियुस 1:7 में लिखा, मैंने तुम्हें डर का नहीं, भय का नहीं, सामर्थ का, विश्वास का आत्मा दिया है, बल का आत्मा दिया है। याद रखना, आज रात के बाद कह रहा मैं बोलता जाऊंगा, तुम समझते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। एक हफ्ते के बाद, 21 दिन के बाद, 52 दिन के बाद तुम मेरी प्रोफेसी को समझ जाओगे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता आज वचन के बीच, कहता वो हैं जो प्रार्थना योद्धा हैं। अपने हाथों को उठाओ, ऊंचा करो। आज परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ आज उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तेरे कलाम को सुनने के बाद फैसला ले लिया है कि परमेश्वर अब से मैं किसी के दबाए दबूंगा नहीं। कोई फोन आए, कोई कितना भी अर्जेंट काम आए, बिना प्रार्थना के, बिना वचन के बाहर नहीं निकलूंगा। परमेश्वर आज से मैं विश्वास रखूंगा, मेरा कैरियर बच्चों का बनेगा, मेरा टैलेंट बाहर आएगा, मेरी नौकरी लगेगी, मेरा परिवार ठीक होगा, मेरा कर जो आशीष दबी हुई है साल में बाहर आएगी चर्च। आमीन बोलने वाले बाहर आएंगे। आमीन। ताड़ी बजाओ, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाहर आ रहे हो, एक गीत गाएंगे कितने उसकी नाव में वो बोलता है कि यीशु नाम लेके मैंने एक किश्ती बनाई है। कितनों ने आज विश्वास की किश्ती बना ली यीशु मसीह के नाम में? अगर आपका विश्वास बढ़ा है तो यीशु मसीह आपकी किश्ती में आने वाला, यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका हालेलुया ऊंचा है तो तैयारी करो, यीशु मसीह नजर आने वाला, यीशु के नाम में। वजा मारदा यीशु नासरी, तैनू वजा मारदा यीशु नासरी, मैनू वजा मारदा यीशु नासरी। ओ तेरे दिल दे बूहे दे अगे आन के, तेरे दिल दे बूहे दे अगे आन के, वजा मारदा यीशु नासरी, मैनू वजा मारदा यीशु नासरी, वजा मारदा यीशु नासरी, तैनू वजा मारदा यीशु नासरी। लेकिन आज वो यहाँ खटखटा रहे हैं आपके लिए। क्या आप उस परमेश्वर को बुलाने के लिए तैयार हैं? अब उदास होने का समय नहीं है, ये मूवमेंट अपनी चंगाइयों को लेने का मूवमेंट है, ये मूवमेंट आपके आजाद होने का समय है, ये समय आपकी बरकतों को लेने का समय है, ये समय अपने घर की आशीष
आशीष को लेने का समय है, ये समय पवित्र आत्मा की भरपूरी लेने का समय है, ये समय अपना बेस्ट रिजल्ट लेने का समय है। तो यीशु मसीह कहते रहा, मैं तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, क्यों नहीं जाग रहे? तो तालियां बजाओ ना। ईमान वाले आंदे जेड़ा दुखी कटदा है, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है लाइन में रहना, आपकी जिम्मेवारी है प्रोटोकॉल को देखना और पंचुअल रहना, डिसिप्लिन में रहना। सबकी ले हैंड होगी, लेकिन धक्का मुक्की करेंगे तो खुदा का काम नहीं होता। लेकिन कितने आवाज लगाने के लिए तैयार है यीशु मसीह को कि खुदा मेरे घर में तू आ जा, मेरे परिवार में तू आ जा, आज मेरे रात को मेरे घर में खुदा तू साथ में चलना। अगर आप जगह की तरह बुलाने के लिए तैयार है तो वो खाना खाने के लिए आपके घर में आने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। क्या तैयार है? अगर आप तैयार हैं तो वो बादशाह, वो परमेश्वर आपके जीवन को आज इसी वक्त बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। जिसका आमीन बढ़ा उसकी आशीष भी बढ़ी। कितने तैयार है अपनी आशीषों को खुलवाने के लिए? तो धक्का मुक्की नहीं करनी, खड़े रहो, आराम से वर्शिप करो जैसे सिस्टर के साथ। आइए सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। क्रिश्चियन पीछे बैठ जाएं सारे। परमेश्वर प्यारा, यहाँ कोई नहीं बैठेगा, मैं ऐसे प्रार्थना नहीं करूँगा किसी को, उधर जाऊँ पीछे। शाबाश, उठो यहाँ से। अखियाँ जो वग दे ओए हंजुआनू रो, सिट डाउन, सिट डाउन। जो ब्रांचों में जिसको देर हो रही है मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, बाकी बैठे रहें। परमेश्वर मैं तेरा दास सुन प्रार्थना करता हूँ, अनॉइंटिंग साल्ट के ऊपर नीचे बैठ जाओ। सिट डाउन यार, सिट डाउन, यहां से उठ जाओ, सारे उठ जाओ, यहां से उठ जाओ, उधर जाओ पीछे। अगले संडे से किसी को नहीं बिठाओगे यहां पर, ये कहना नहीं मानते फिर। अपने जिसके अनॉइंटिंग सोल्ड है हाथ में ऊपर उठाओ। शाबाश, स्क्रीन पर देखो, इधर लेकर आ, इधर धर्मेंद्र हाथ में।